दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहली बार संचालित होने वाली बीटेक कोर्स के प्रवेश परीक्षा का आयोजन रविवार को विश्वविद्यालय कैंपस के 7 केंद्रों पर किया गया, जिसमें 2466 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें से 1819 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी, जबकि 647 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दो पालियों में आयोजित हो रही प्रवेश परीक्षा की पहली पाली में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बीटेक की प्रवेश परीक्षा का आयोजन हुआ, जबकि दोपहर की पाली में एलएलएम एवं पीजी डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एवं पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ की प्रवेश परीक्षा का आयोजन हुआ। इस परीक्षा के लिए 452 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, 382 परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 70 लोगों ने प्रवेश परीक्षा छोड़ दी। प्रवेश परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र सिलेबस के अनुरूप था, उम्मीद है विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रांशु कुमार, उत्कर्ष कुमार दुबे, सृष्टि रूपाली कुमारी और राशि शुक्ला ने कहा। बीटेक का परीचय था, अच्छा गया। किस तरह के आसान आया था, जो पढ़े थे मतलब वही आया था। इससे पहले कोई एग्जाम दिया था? जेई मेंस। रुचि शुक्ला का परीक्षा था, बीटेक का अच्छा था। इससे पहले एग्जाम ने दिया है? हाँ, बीएससी का। बीटेक का एग्जाम इससे पहले कभी नहीं? क्वेश्चन किस किस तरह के आए? नॉर्मल क्वेश्चन थे। उत्कर्ष कुमार दुबे, बीटेक का परीक्षा था। पेपर इजी लेवल का आया था, एनसीईआरटी लेवल का आया था, जो ट्वेल्थ में पूछा गया था वही आया था। इजी लेवल का पेपर आए थे। इससे पहले कभी एग्जाम दिया है? नहीं नहीं। कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया गया। सृष्टि अच्छा आया था, आसानी है। कैसा रहा आपका? अच्छा था। इससे पहले कभी एग्जाम दिया था?